नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि मनाई गई एवं उनका जन्मदिन मनाने के लिए कई भारतीय राजनेताओं ने उनके तस्वीर के आगे पुष्प समर्पित किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नड़ियाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जावर भाई तथा माता का नाम लाड़बाई था। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर कई सत्याग्रह किए, जिनमें खेड़ा सत्याग्रह तथा बारगोली सत्याग्रह प्रमुख हैं एवं भारतीय स्वतंत्रता के लिए अहिंसा आंदोलन, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी चर्चित है। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इनकी याद में 31 अक्टूबर 2018 को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया, जो कि 182 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारत को कई रियासतों में तोड़ दिया था, लेकिन इनके अथक प्रयासों से इन्होंने 565 देशी रियासतों का एकीकरण किया तथा भारत को एक सूत्र में बांध दिया। 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ आज भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी पुण्यतिथि मनाई गई। इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में हुई थी। ये जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनकी पुत्री थी और बाद में जाकर ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ये भारत की विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इन प्रमुख जैसे मुख्य पदों पर रह चुकी है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से भारत ने पराजित किया था, जिसमें भारतीय सेना के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया था, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा समर्पण संधि हस्ताक्षर किए गए थे। इनको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का जो सर्वप्रथम योगदान है, उसमें इंदिरा गांधी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इनको 2011 में बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान भी दिया गया तथा 31 अक्टूबर 1984 को इन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा हत्या कर दी गई और इनकी याद में दिल्ली में शक्ति स्थल बनाया गया है तथा इसी स्थल पर कई भारतीय राजनेताओं ने पुष्प अर्पित कर इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज 24।